कुल्लू जिला में कोरोना महामारी से बचाव को लेकर 12 से 14 वर्ष की आयु वर्ग के छात्रों के लिए वैक्सीनेशन अभियान का शुभारंभ सीएमओ कुल्लू डॉक्टर सुशील चंद्र शर्मा ने किया। ऐसे में कुल्लू जिला में 21,641 छात्रों को कोवैक्सीन लगाकर अभियान को सफल बनाया जाएगा। आज 12 से 14 साल के बच्चों को जो वैक्सीन का शुभारंभ हुआ है, जिस तरह से पिछले कल गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश द्वारा दिशा निर्देश दिए गए थे, आज 12 से 14 साल के बच्चों को कोर्बेवैक्स वैक्सीन जो है वो लगाई जा रही है। और ये वैक्सीन जो है पूर्णतः सेफ है, सुरक्षित है। और ये 12 जो बच्चे पहली जनवरी 2008 से 15 मार्च 2010 के बीच में पैदा हुए हैं, उन बच्चों को ये वैक्सीन जो है वो दी जाएगी। और इसके लिए क्योंकि कुछ जगहों में, कुछ स्कूलों में आजकल एग्ज़ाम भी चल रहे हैं, तो जो आज हमारा ये प्राइवेट स्कूल है यहाँ जिला कुल्लू का OLS, इसमें आज और एक हमने नगर में और एक हमने जरी का गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल, ऐसे आज हमने 3 स्कूलों में और 3 ब्लॉकों में आज इसकी हमने शुरुआत की है। तो टोटल जो हमारे ज़िला के अंदर 12 से 14 साल के जो बच्चे हैं वो 21,641 हैं, एज़ पर द डेप्टी डायरेक्टर जो हमारे एजुकेशन विभाग के, वहाँ से हमको आंकड़ा आया है। तो अब ये जितना जिला कुल्लू के अंदर जितने भी बच्चे हैं, इन सबको कवर किया जाएगा। और छोटे बच्चों में बहुत उत्साह भी है वैक्सीन लगाने के लिए। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि मेरा सभी जो पेरेंट्स हैं उनसे भी यही आह्वान है कि COVID-19 से बचाव हेतु सभी अपने बच्चों को जो है वैक्सीन लगवाएँ और सभी अपना वैक्सीनेशन को जो है बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा लें। थैंक यू। सिटी चैनल के लिए कुल्लू से दिलीप ठाकुर की रिपोर्ट।